एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और देखिए कौन आ गया, कोको। तो आज है स्पेशल डे, हमारे नेपालियों में आज है मदर्स डे। वैसे इंग्लिश कैलेंडर में दूसरा दिन आता है। आज का दिन देखिए बहुत सुहाना है, मतलब बहुत दिन के बाद हवाएं चल रही है, शायद बारिश होगी। नहीं तो ये बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में अभी टेम्परेचर बहुत हाई था, लगभग 38-39 डिग्री था। तो आज का दिन थोड़ा सा सुहाना है। तो आज है हमारा मदर्स डे। हम लोग बोलते हैं माता तिथि औंसी, भी ठीक से बोलना नहीं आता है। तो आज है मदर्स डे। हम लोग को आज अपनी मम्मी का चेहरा देखना होता है। आमा को मुँह घेरने दिन, मतलब मम्मी का चेहरा देखने वाला दिन है आज। तो अभी मेरा सुबह का रूटीन चल रहा है, सुबह का सारा काम चल रहा है, तो मैं दिखाती हूँ मैं अभी क्या कर रही हूँ। वैसे इसके बाद मैं बाजार जाऊँगी, थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी, तो इसीलिए। और आज का दिन मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी ताकि मेरा भाई बाहर है ना, वो थोड़ा देख सके। देखिए आ गया अपना हीरो कोको। और बंगाल में ज़्यादा गर्मी हो गई है इसलिए चेरी का स्कूल भी छुट्टी है, तो चेरी अभी वैसे पढ़ रही है अपना। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ मैं आलू पराठा। तो आलू को स्मैश कर दिया है, इसमें मैंने प्याज धनिया और नमक बस डाला और कुछ नहीं डाला है। सोच रही हूँ थोड़ी देर में जब मैं बनाऊँगी तब मैं चीज़ डालूँगी। और ये आटा भी गूँथ लिया है, आटा आपको कम लग रहा होगा लेकिन चेरी और कोको ने खा लिया है। चेरी ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और कोको ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का है, हम लोग सुबह सिर्फ दो रोटी ही खाते हैं, तो मैं तो इसीलिए ही चार ही वहाँ पे आपको वो क्या बोलते हैं आटा का सर्कल मतलब है कुछ वो है। तो अभी मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ। घर का काम लगभग ख़त्म ही हो गया है, बस मुझे घर पहुँचना है। घर पहुँच के फिर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं निकलूँगी मार्केट के लिए। तो आपको आज मैं दिखाऊँगी मैं क्या करूँगी आज सारा दिन, तो आप लोग के साथ में रहिए। तो मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है और मैंने पूजा भी कर लिया है, तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैंने ये वाला टॉप पहना है और ये वाइट कलर को। अभी मैं निकलने वाली हूँ तो थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। वैसे धूप नहीं है फिर भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, मेरा सनस्क्रीन भी खत्म होने वाला है। तो ये वाला सनस्क्रीन यूज करती हूँ, ये खत्म होने वाला है। अच्छा आज मुझे थ्रेडिंग भी करना है, देखिए मेरा हालत कैसा हो गया है। तो बनोगा तो मैं थोड़ा पार्लर भी जाऊँगी और घर का थोड़ा सामान भी खत्म हो गया है, तो इसके लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो अभी अपने बैग में मैं अपने एटीएम कार्ड और थोड़े पैसे रख रही हूँ क्योंकि मार्केट जाने के लिए पैसे चाहिए। और ये वाला बैग है, ये हमारे यहाँ लोकल में ही मिल जाता है, ये बहुत इजी टू कैरी है। तो अभी मैं निकल रही हूँ और चेरी को बुलाऊँगी, वो खेल रही है। तो अभी भी चेरी खेल ही रही है और अभी तक पापा लेने के लिए नहीं आए हैं इसको, वो थोड़ी देर खेलती है तो खेलने दे रही हूँ मैं उसको। तब तक मैं मेरा एक पुराना वीडियो है उसको एडिट कर लेती हूँ जब तक पापा नहीं आ जाते, क्योंकि उसको मैंने अभी तक डाला ही नहीं है एडिट कर कर। और एक वीक होने वाला है, उससे पहले देखिए कोको आके बैठ गया। हाँ सर। तो पापा आ गए थे, पापा ने चेरी को घर पापा लेके चले गए हैं और मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दिया और मैं शॉर्टकट से जा रही हूँ अभी। तो अभी मैं क्या क्या करती हूँ दिखाती हूँ। हमारा मोती काकू का दुकान और मैं कंघी लेने आई हूँ। उस दिन मैं रिसोर्ट गई थी तो वहाँ लेके गई थी लेकिन पता नहीं कंघी कहाँ छोड़ दिया। वैसे दूसरा कोम है मेरे पास लेकिन वो अच्छा नहीं है, जो मुझे एकदम बारीक वाला चाहिए वो मैं लेके जाऊँगी अभी। तो मैंने ये दो कोम सिलेक्ट किया अपने लिए। इसके बाद मैं गई मिठाई दुकान में क्योंकि मम्मी के लिए मिठाई लेके जाना था। यहाँ पर बहुत फ्रेश और अच्छी मिठाई मिलती है। और हमारे यहाँ पे पहला बैसाख था, नया साल स्टार्ट है, तो अंकल ने मुझे मिठाई खाने के लिए दिया और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और यही मैं घर भी लेके गई।
अच्छा थैंक यू। थैंक यू टू। काम भी है लेकिन इससे पहले मैं पार्लर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अभी शायद पार्लर खाली है, देखते हैं। मैंने थ्रेडिंग और हेयर में ऑयलिंग किया क्योंकि मेरे चूल बहुत बढ़ चुके हैं, तो इसका थोड़ा सा टेक केयर तो करना पड़ेगा इसीलिए। तो अभी मैं आई हूँ फ्रूट्स की दुकान में, मैं सोच रही थी क्या लूँ बोलकर, फिर मैंने देखा वाटरमेलन था, इस गर्मी में तो वाटरमेलन ही लेना चाहिए बोलकर मैंने एक बड़ा सा वाटरमेलन लिया। इसके बाद मैं गई मम्मी लोग के लिए कपड़ा लेने के लिए, वो कपड़ा आपको ब्लॉक में दिख जाएगा थोड़ी देर में। और जो मेरी आंटी है उनको पुचका खाना था, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था पुचका ला देने के लिए, तो मैं यहाँ पुचका लेने आई हूँ। और ये रहा मेरा सारा सामान, अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। ये देखिए अपना सक्षम को, अभी मैं ये ठीक करूँगी। ये मेरी मासी है मम्मी की छोटी बहन, तो उनके लिए भी मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। हाम्रो कान्छी आन्टी चाहिँ बिमारी छ, कान्छी आन्टी गिफ्ट हामी यहाँ राखिदिन्छ। तो अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत गर्मी था, तो मैंने नहा लिया और यहाँ पे मेरा कपड़ा रखा हुआ रहता है तो वो मैंने पहन लिया है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच कर लेंगे। तो आज वैसे हमारा वेज है, तो मैं दिखाती हूँ आज वेज में क्या क्या बना है।
अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच में है राइस, ये आलू का पकौड़ा, अचार और राजमा। तो अभी हम लोग मम्मी के घर से आ चुके हैं और मेरा कुछ पार्सल आया था, वो मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। इनके पापा को ऑफिस से एक क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट कार्ड मिला था, तो उससे ही मैंने ये शॉपिंग की है। तो ये एक उनको कार परफ्यूम चाहिए था, तो ये कार परफ्यूम है। चेरी ने इसका अनबॉक्सिंग खुद ही कर दिया है, सारा फाड़ दिया है। पूछ रही थी कैसा है कबूतर, तो उनके पापा जब आएंगे वो खुद काट कर ही वो खुद चेक कर लेंगे कि इसका फ्रेगनेंस कैसा है बोलकर। उसके बाद मैंने एक ये शोल्डर बैग मंगाया है, तो इसको भी मैं खोल के चेक कर लेती हूँ ये मतलब डैमेज आया है क्या है। अच्छा, इसका जो प्राइस है मैं लगा दूंगी क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। तो ये वाला शोल्डर बैग है, जब अगर हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं या एक दिन के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो हम यहाँ पे सामान डाल के जा सकते हैं। मेरा शोल्डर बैग था लेकिन अभी पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा है वो कहाँ पे है। ये देखिए, अच्छा स्पेस है इसमें। इसमें एक जिप, दो जिप, दो चेन है इसमें और नहीं तीन चेन है, पीछे भी है 1 2 3 और सामने भी एक है। तो ये मतलब एक दिन के ट्रिप के लिए हम लोग के लिए इनफ हो जाएगा, हम तीनों के लिए इनफ हो जाएगा। उसके बाद ये एक है, एक बड़ा पार्सल है। तो ये मैं ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे इतना सारा कूड़ा जमा हो गया। अच्छा, ये स्काई बैग का है, ये देखिए बड़ा सा लगेज बैग है। ये भी हम लोग को चाहिए क्योंकि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ट्रैवल करें थोड़ा सा, चेरी का समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग को ये बैग चाहिए। स्काई बैग का है, तो ये मैंने मंगा लिया, गिफ्ट कार्ड था इसे मैंने मंगा के रखा है, कभी भी काम आ जाएगा, आ सकता है, हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं इसलिए मंगा के रख दिए। मंगाया था ये एक बड़ा वाला लगेज बैग, एक शोल्डर बैग, एक परफ्यूम और चेरी के लिए एक स्लाइम मंगाया था, जो चेरी खोल कर वो खेल चुकी है, वो अब मैं क्या दिखाऊँ, उसने पूरा उसको खराब कर दिया है। तो मैं अभी रात का डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिनर में सोच रही हूँ ये हम लोगों में झिंगिनी बोलते हैं ये बनाओ, उनके पापा को पसंद नहीं है फिर भी लेकर आए हैं तो इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी, मैं इसको बनाऊंगी। और इसके साथ में मैं ये बैगन को भी फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे दाल है जो बन चुका है, तो ये अभी ये फटाफट खाएंगे और सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो आप मुझे लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते। मेरी तरफ से इस वर्ल्ड की सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे, मेरी तरफ से आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय। मदर्स डे के दिन चेरी के पापा का छुट्टी नहीं था, तो मदर्स डे था मेरे ख्याल से थर्सडे को, तो फ्राइडे को उनका ऑफिस था, सैटरडे संडे छुट्टी था, तो हम लोग सैटरडे को निकल गए हैं मेरी सासू माँ की मतलब मेरे ससुराल, उनके लिए थोड़ा स्नैक्स ले लिया है और उनका जो कपड़ा था वो भी ले लिया है। और हम हस्बैंड वाइफ फिर से बाइक राइड पे निकल चुके हैं और ये रहा मेरा पति जो बाइक चला रहा है। मेरे पास हेलमेट है लेकिन मैं लाना बिल्कुल भूल गई। और ये देखिए इतना सुंदर व्यू है जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।